उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। कई जिलों में लाखों अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तस्वीरें मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से सामने आई हैं, जहां जिले में सिपाही की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर दिख रही है। पुलिस भर्ती को लेकर जिले के होटल फुल होने की वजह से अभ्यर्थी रेलवे जंक्शन पर रुककर सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। मुरादाबाद जिले में परीक्षा के लिए 26 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ 1,17,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को 5 दिन में परीक्षा देनी है। एक पाली में करीब 11,700 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट है। यूपी में 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए 67 जिलों में 1,154 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा दोबारा हो रही है। इससे पहले फरवरी में ये परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इस पर प्रशासन की तरफ से परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।